हेलो ऑल ऑफ यू, आज डे 123। हम लोग ने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे और रीशो ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 16। ए होल्ड्स 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑन विच ही हैज पेड रुपीज टू हिज एप्लीकेशन मनी। तो ए ने कितने शेयर्स होल्ड करके रखा था वहां पे? 2000 शेयर्स, 10 रुपए का एक था और उसने उस पर 2 रुपए एप्लीकेशन मनी पे करा था। फिर आगे कहते हैं, बी होल्ड्स 4000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑन विच ही हैज पेड रुपीज 2 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी एंड रुपीज 3 पर शेयर एज अलॉटमेंट मनी। तो कोई यहां पे मिस्टर बी थे, उन्होंने 4000 शेयर्स होल्ड करे थे जो कि 10 रुपए का एक था, एप्लीकेशन भी 2 रुपए पे करे और अलॉटमेंट का 3 रुपए पे करे। उसके बाद वो बात करते, मिस्टर सी होल्ड 3000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, हैज पेड रुपीज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। आपको मिस्टर सी थे जिन्होंने 3000 शेयर्स होल्ड करके रखे थे, 2 एप्लीकेशन पे करे, 3 अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पे 3। दे ऑल फेल टू पे देयर अरियर्स ऑन द सेकेंड एंड द फाइनल एंड द डायरेक्टर्स। ओके, तो वो सारे के सारे क्या हो यहां पे लोगों, देखो वो क्वेश्चन में कहते हैं कि दे ऑल फेल टू पे देयर अरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल एंड द डायरेक्टर देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर्स। इसका मतलब है जो आपको उससे कहा है कि पे करे उतने ही पे करे, जो भी दूसरी चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसा हमारे एप्लीकेशन पे आ रहा है, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे और कुछ फाइनल कॉल पे, तो जिसने जितना पे किया, जैसे मिस्टर ए की बात करो यहां पे उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, बी की बात करो तो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट की और अलॉटमेंट पे करे, सी की बात करो तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे उन्होंने पे करे। ठीक है, अब यहां पर आता है बेटा आपका कि वो लोग सारे और बाकी जो जो मतलब जो पे करे उतना ही पे करे, बाकी सारी की सारी चीजें उन्होंने पे नहीं करे, उनके सबके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। द शेयर्स आर रीशू सब्सिक्वेंटली, बाद में 12 रुपए में उसको रीशू करे, तो प्रीमियम पे रीशू हुआ। ओके, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द फॉरफीचर एंड रीशू। तो मैं एंट्रीज पास करूं पहले, उसके पहले आप ये अच्छे से समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, 396। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 396। अब इसको अच्छे समझे, फेस वैल्यू जो शेयर्स की थी वो रीइश्यू प्रीमियम पे करा, इश्यू तो उसने पार पे किया था, अब कुछ पैसा एप्लीकेशन पे बुला रहे, एप्लीकेशन पे कुछ पैसा बुला रहे, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे बुला रहे, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे और कुछ पैसा फाइनल कॉल पे। अब एप्लीकेशन पे कितने रुपए बुला रहे, एप्लीकेशन पे आप देखोगे 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए हैं और फर्स्ट कॉल पे भी 3 है। तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपए, तो फाइनल कॉल पे कितने, 3 और 3 6 और 2 8, फाइनल कॉल पे बैलेंस अब आ रहा है 2 रुपए, मतलब फाइनल कॉल पे। अब इसको अच्छे से समझना, यहां पे चार लोगों के, तीन लोगों के बारे में बात करें, ए बी सी, स्क्रीन पे दिख रहा है ए बी सी, यस। ए ने होल्ड करके रखा है कितने शेयर्स, ए ने होल्ड करके रखा है 2000, बी ने होल्ड करके रखा है 4000 और सी ने होल्ड करके रखा है 3, तो 2 4 3, सो 2000 शेयर्स बी ने होल्ड करके रखा है, 4000 शेयर्स और सी ने होल्ड करके रखा 3000 शेयर्स। इन लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया, अब किसी ने कुछ दिया है तो कुछ नहीं दिया, अपन बात करेंगे टोटल जो शेयर्स थे, कितने शेयर थे बच्चों, 9000 शेयर थे। अब यहां पे ए ने सिर्फ कौन सा पैसा दिया बच्चों, ए ने आपको पैसा दिया, ए होल्ड 2000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ऑन विच ही हैज पेड रुपीज 2 एज एप्लीकेशन मनी। तो इसने सिर्फ क्या दिया बच्चों, अपने को एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो यहां पर यह अमाउंट अपने को रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, ये अमाउंट अपने को रिसीव्ड हुआ है, बाकी उसने नहीं दिया, तो क्या कहेंगे बेटा उसको आप, बाकी उसने नहीं दिया, तो वहां पे आपको कह रहा है कि उसने दे फेल टू पे, दे मतलब दे ऑल, ऑल मतलब सबके सब, ए बी सी फेल टू पे देयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मतलब आखिरी वाला जो कॉल था उसको नहीं पे करे, मतलब आखिरी कॉल तक आपने बुलाए, इसका यही मतलब होता है ना, आखिरी कॉल तक आपने बुलाए तीनों को, ए बी सी बुलाए मतलब उनसे पैसा बुलाए, ए बी सी तीनों से पैसा बुलाए, जब भी तो दे फेल टू पे द फाइनल कॉल, वो पे करने के लिए फेल हुए बेटा। अब क्या हो यहां पे वो कहता है ड्यू बट नॉट रिसीव, देखो जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, दिल पे मत लेना, व्हाट इज डीबीएनआर, ड्यू बट नॉट रिसीव,
तो आपने फाइनल कॉल तक बुलाया सबसे, मगर इसने आप एक ही बात करे, इसने एप्लीकेशन का पैसा ही दिया, इसका मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव, ये पैसा नहीं दिया, उसने सिर्फ पहला ही दिया। सेकेंड वाले जो थे बी ने, उसने हमें क्या दिया बच्चों, 10 रुपए ने 2 एप्लीकेशन का दिया और 3 अलॉटमेंट का, बुलाए फाइनल कॉल तक। तो यहां पे ये रिसीव्ड हुआ, ये भी रिसीव्ड हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हुआ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सी जो था उसके बारे में, सी होल 3000 शेयर्स ऑफ रुपीज चेरी हैज पेड ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल। तो इसने यहां पे ये रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन का पैसा दिया, रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, मगर ड्यू बट नॉट रिसीव, ये नहीं दिया उसने। इसका मतलब यहां पे अलग अलग ए बी और सी में अगर आप देखेंगे तो जो हाईलाइट करो ड्यू बट नॉट रिसीव। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से इसको एनालाइज करना, बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मैं जब फोर फीचर की एंट्री पास करूंगा जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ बेटे उसी को अपन फोर फीटेड शेयर अकाउंट में लेकर जाते, और ड्यू बट नॉट रिसीव तो रिस्पेक्टिव अकाउंट जो भी रहेगा उसको अपन क्रेडिट करते। तो एक काम करते मैं एंट्री पे आऊ, उसके पहले इसको मैं वर्किंग नोट बना रहा पहले, ठीक है, या एंट्री के लिए आप स्पेस भी रख सकते हो, उसको अराउंड हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा स्पेस लगेगा। ओके, यह तो मैं पहले लिख देता हूं, जर्नल एंट्री, जर्नल यहां पर लिखो, ठीक है। अब इसमें जगह लगेगी आपको, मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पे भी रख लेता हूं, ठीक है, आधे पेज से थोड़ा ज्यादा स्पेस लगना चाहिए अंदाजा, ठीक है। अब इसके बाद में वर्किंग नोट पर आपकी मर्जी, आप चाहे एक पेज का स्पेस रखो कोई बात नहीं। अब ध्यान से बच्चों, पहले अपन एक वर्किंग नोट बनाते हैं यहां पे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मैं एक वर्किंग नोट बना लेता हूं, जो चीज मैंने बेटा यहां पे लिखा ना इसी पे वर्किंग नोट बना लेता हूं वहां पे, क्योंकि अपने को एंट्री पास करते वक्त आसान है, अब 3 लोग हैं, है ना, कितना रिसीव्ड हुआ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना अपन लिख लेंगे। तब आप इसको ड्रॉ करेंगे, चार पांच लाइन, 5-6 लाइन का पहले देख लो, या तो 2 मिनट पेशेंस रखना, देख लो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो ये 1 मिनट मैं पहले लिख लू, मनी रिसीव्ड और एक यहां पे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड शेयर होल्डर्स, 3 है, ए जिसने 2000 शेयर्स होल्ड करके रखा है, बी जिसने 4000 शेयर्स होल्ड करके रखा है, और सी जिसने 3000 शेयर्स होल्ड करके रखा है। ध्यान से समझिए, अब पहले यहां लिख लो एप्लीकेशन जिसपे 2 रुपए बुलाए, अलॉटमेंट जिसपे 3 रुपए बुलाए, फर्स्ट कॉल जिसपे 3 रुपए बुलाए, फाइनल कॉल जिसपे 2 रुपए बुलाए। यहां पे भी लिख लो एप्लीकेशन जिसपे 2 रुपए बुलाए, अभी स्पेस नहीं इसलिए शॉर्टकट लिख रहा है, अलॉटमेंट जिसपे 3 रुपए बुलाए, फर्स्ट कॉल जिसपे 3 रुपए बुलाए, और फाइनल कॉल जिसपे 2 रुपए बुलाए। ओके, ध्यान से
अब देखो यहाँ पे ए की बात करेंगे बेटा, तो ए से अपने को सिर्फ यही रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। ए ने कितने शेयर होल्ड करके 2000 सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही आया है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आता है 4000 रुपए, और कुछ भी रिसीव नहीं हुआ तो वो ड्यू बट नॉट रिसीव में चले जाएगा। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आएगा 6000 रुपए, नहीं आए ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 6000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना आएगा 4000, तो ड्यू बट नॉट रिसीव वाला होगा। अब बी की बात करें तो उस पर एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा आया है, तो एप्लीकेशन का देखो यहां पे देखो एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा आया है, सो यहां पे 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना हुआ 8000, 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हुआ 12000, ये कितना बच्चों 12000। अब ड्यू बट नॉट रिसीव फर्स्ट और सेकंड कॉल फाइनल कॉल से नहीं आया, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो आपका 12000, 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो आपका 8000, जो आपका 8000। ओके, अब 3000 इसका जो अगर बात करें तो तीसरा था सी, उसका आपको सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा आया, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 6000, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 9000, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 9000, ये पैसा नहीं आया फाइनल कॉल का, तो यहां पर आएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया 6000। तो आप इसको ध्यान से बेटा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ओके ठीक है। अब यहां पे अब आप इसकी टोटल करो, 4000 मल्टीप्लाई बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 6000 ये हो गया 18000, 12 और 9 21000 और ये 9000, तो ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, ये अमाउंट आपने को क्या हुआ रिसीव्ड हुआ है, तो रिसीव्ड इतना हुआ 18 प्लस 21 प्लस 9 48000 रिसीव्ड हुआ है। और ये जो है बच्चों यहां पे जो टोटल आएगा ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ये डैश ये 6000, 6 और 12 18000, 4 और 8 12 और 6 18000, तो ये जो है आपका ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, 6 प्लस 8 प्लस 18 ये कितना हो गया आपका 32000। वैसे इसकी टोटल नहीं भी करे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि वो अपने को रिस्पेक्टिव अकाउंट वाइज लिखना, आप 32 लिख भी दिए तो चलता है कोई दिक्कत नहीं अपने को, मगर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल ऐसे लिखना, उसकी टोटल नहीं भी करे तो भी चलेगा, कर लिख दिए 32 इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब उसके बाद 32 नहीं होंगे ना, टोटल कितनी होंगे 6 18 और 18 42 होगी सॉरी, चलो एनीवे वो नहीं भी लिखे तो टोटल चलता है वहां पे। अब एंट्री पास करना तो बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं, तो पहली एंट्री अब आपके यहां पे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अपने को उसको क्रेडिट करना है। आप पहले क्या करते हो, डेबिट किसको करते हो, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्डर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल थे तीनों के मिला के 9000 शेयर्स, बुलाए तो पैसा पूरा है उनसे 10 रुपए, 9000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो गया 90000। ओके, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो अमाउंट रिसीव फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर वन, आपने वर्किंग नोट नंबर वन में कितना जो अमाउंट रिसीव 48000, सो 48000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ना वर्किंग नोट नंबर वन में अपन ने करे इसको, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट वर्किंग नोट नंबर वन, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट वर्किंग नोट नंबर वन। तो ड्यू बट नॉट रिसीव शेयर अलॉटमेंट पे कितना है बच्चों
वो है आपका 6000 रुपए। कितना अमाउंट है? 6000। फर्स्ट कॉल पे 18 और फाइनल कॉल पे भी 18 है। सो 6000, 18000, 18000 बीइंग फोर फीचर ऑफ 9000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, ये आपने फोर फीचर की एंट्री पास कर, ये किसकी एंट्री पास करे अपन ने? ये एंट्री पास जो करे अपन ने फोर फीचर की। क्वेश्चन में उसने अपने से और कौन सी एंट्री पूछा है? उसने अपने रीइश्यू की भी एंट्री पूछा। अब जो अपन एंट्री पास करे वो रीइश्यू की एंट्री पास करे। तो क्वेश्चन में क्या हमने पूरे के पूरे 9000 शेयर्स को रीइश्यू करे के बच्चों? वो कहता है यस। वो कहता है आपसे द शेयर्स आर रीइश्यूड सब्सिक्वेंटली, पूरे के पूरे शेयर्स ने, कुछ ऐसा नहीं बोला कि 9 में से इतने, पूरे के पूरे शेयर्स रीइश्यू कर दिए बेटा। कितने रुपए में करा? 12 रुपए में। तो यहां पे आप लिखेंगे पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 9000 शेयर्स 12 रुपए एक शेयर पे। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 12 वो कितना आ रहा है आपका? 108000 रुपए टू पैसा। ये आपने इश्यू करे। अब आपने देखो यहां पे फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप इसको डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर रहे बेटा, प्रीमियम पे इश्यू कर, तो डिस्काउंट का सवाल ही नहीं। तो यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डिस्काउंट पे करते तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट होता। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है 9000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक, तो ये हुआ 90000 रुपए। प्रीमियम पे करे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम अकाउंट 9000 शेयर्स 2 रुपए प्रीमियम, तो ये 18000 रुपए। बीइंग रीइश्यू ऑफ 9000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट द रेट ऑफ रुपीज 12। तो आपने, मैं तो नेक्स्ट एक ही और एंट्री आएंगे, नहीं भी लिखते तो चलता था जगह मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपने बेटा यहां पे रीइश्यू की एंट्री पास कर, अब अपने को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता फोरफीटेड का बैलेंस। अब इसको अच्छे समझ में, एंट्री क्या होंगी आपको पता है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री पास होंगी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, ध्यान से इस पे भलाई मैं आपको रफली यहां बता देता हूं। आपने देखे थे बच्चे यहां पे मैंने आपको सिखाया था कि आपने ये देखने के रीइश्यू कितने हो रहे, रीइश्यू यहां पे पूरे के पूरे हो रहे। तो आपने रफली, आपने जब अगर कोई पार्शियल रीइश्यू होता है तो फिर वर्किंग नोट बनाओ, अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते। तीन स्टेप है बेटा, तो तीन स्टेप रहेंगे। अगर पूरे के पूरे शेयर्स रीइश्यू करे तो सिर्फ तीन स्टेप में अपने को करना रहता है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल, अमाउंट क्रेडिटेड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। कितने से आपने क्रेडिट करे यहां पे देखो, कितने से क्रेडिट करे आपने? 18000 रुपए से, 48000। सो अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, कितना? 48000। सो स्टेप वन है आपकी 48000।
इसमें तीन ही स्टेप आएंगे क्योंकि सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू करें, अगर पूरे शेयर्स नहीं रीइश्यू करते तो चार स्टेप आती है, ख्याल रखना आपने। स्टेप नंबर टू, अमाउंट इसमें प्रोपोर्शनेट नहीं निकालते, पार्शियल जब होता है, रीइश्यू जब होता है। देखो ये हो रहा है, यहां पे तीन स्टेप आती है, पूरे शेयर्स रीइश्यू करें तो अमाउंट क्रेडिटेड एट अ टाइम ऑफ फोरफीचर, अमाउंट डेबिटेड एट अ टाइम ऑफ रीइश्यू। तो अमाउंट आपने कितने, यहाँ पे तो डेबिट ही नहीं करे आपने रीइश्यू के, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो वो जीरो आया। क्यों जीरो आया? क्योंकि आपने डिस्काउंट पे रीइश्यू ही नहीं करे। स्टेप नंबर थ्री विल बी स्टेप नंबर वन माइनस स्टेप नंबर टू, तो वो 48,000 माइनस जीरो, इट विल कम 48,000। ओके, सो यहाँ पे जो आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कितना अमाउंट रहेगा आपका 48,000। ओके, समझ में आई आपको ये चीज? डन, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस मैं करूं कुछ, एक और क्वेश्चन में 17 में पे आता हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग वाला, उसके पहले ना 17 पे आऊंगा, डोंट वरी। उसके पहले आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर इस पे आए, क्वेश्चन नंबर आप 18 पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 फिर 19 करता हूँ, ठीक है। 17 करेंगे वो लैंड एंड बिल्डिंग वाला, एक अलग एडजस्टमेंट होता है वो, अदर देन कैश कंसिडरेशन वाला वहां पॉइंट है, मैं उसको मैं बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा उसको पहले। ये सिमिलर नेचर के क्वेश्चन अपन कर ले पहले। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। नाउ एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज पेबल एज फॉलो। अब 10 लाख रुपए, 10 लाख शेयर्स थे 100 रुपए का है, तो एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट फर्स्ट मे को हुआ उस पर 30 रुपए, फर्स्ट कॉल फर्स्ट अक्टूबर को उस पर 30 रुपए, और फाइनल कॉल फर्स्ट फरवरी को उस पर कितना 20 रुपए। नाउ All the shares were applied for and allotted. सारे के सारे shares apply कर allot हो गए। A shareholder holding 20,000 shares paid the whole of the amount due along with allotment. अब कोई shareholder था बेटा A करके, A नाम था उसका, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे सारे के सारे उसने 20,000 shares hold करके रखा था, उसने पूरा का पूरा amount allotment के वक्त ही दे दी, calls in advance, calls in arrears वाला है। तो जो अलॉटमेंट के पैसे के वक्त ही उसने आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल भी दे दिया बेटा। जर्नलाइज बहुत इजी, जर्नलाइज ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग ऑल द सम ड्यू वेयर रिसीव इंटरेस्ट पेड। अभी इंटरेस्ट यहाँ पे उसने बोला है बेटा, इंटरेस्ट वॉज पेड टू द शेयर कंसर्न ऑन 1 फरवरी 2021, ठीक है। तो 1 फरवरी तक उसको दिया गया इंटरेस्ट, अपन कैलकुलेट करेंगे ना कॉल्स इन एडवांस है कैसे, पहले भी आपको बताया मैंने, सिंपल इसका कैलकुलेशन भी बताऊंगा आपको। तो पहले अब आप यहाँ पे लिखेंगे एंट्री पास करना है, बहुत सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, डोंट वरी, 18 396। क्वेश्चन नंबर 18 396, कुछ नाम बांध दिया एक्स लिमिटेड, ठीक है। और ये रुपीज इन ना लैक्स ही लिखेंगे, 10 लाख शेयर्स बोला, बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, रुपीज इन लैक्स ही लिखेंगे। तो यहां पे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड रुपीज इन लैक्स जर्नल एंट्रीज, ओके, ठीक है, ध्यान से। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ध्यान से। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, कब आया बेटा? आपको एप्लीकेशन का पैसा यहां पे उसने डेट नहीं दी, लेकिन अलॉटमेंट 1 मई को किए, तो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के पहले आता है, तो अपन 1 मई उसको मान के चलते, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे आप 2020
May 1st, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए एक शेयर पे है, तो 10 × 20 रुपीज इन लैक्स है, 200 लैक्स है, 200, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये क्वेश्चन तो पहले करा था, फोर फीचर ये सब भी नहीं है इसमें, 200, ओके कोई बात नहीं, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 10 lakh shares at rupees 20 per share. अब 1 मई को आपने शेयर अलॉट करे, लेकिन अलॉटमेंट के पहले एप्लीकेशन का बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल, बस आप लिखेंगे यहां पे May 1st शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 200 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 लाख बीइंग balance of share application transferred to share capital account. Okay, तो application के balance को कहां transfer करें आपने, share capital account. अब allotment due होगा, तो अलॉटमेंट उससे ना पैसा जब आएगा अपन बात करेंगे, कॉल से इन एडवांस से कोई शेयर होल्डर था जिसने 2000 शेयर होल्ड करा था अलॉटमेंट के वक्त, फर्स्ट और फाइनल कॉल दे दिया, लेकिन ड्यू तो आपके इसी पे होगा 10 लाख शेयर पे. साहब यहां पे नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की May 1st को हुआ, ये भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट में 30 रुपीज, 10 × 30 300 लाख शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब थोड़ा सा अलग है, अब अपने में तो पैसा आया ना तो ज्यादा आ गया, वो 10 मतलब अपने को अलॉटमेंट के अलावा अपने को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा आया, किस पे, जो 20,000 शेयर्स को शेयर होल्डर ने होल्ड करके रखा तो उसने एडवांस में पैसा दे दिया. सो यहां पे May 1st की बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी पैसा आया कैसे, तो 10 लाख शेयर्स थे ऊपर के 310 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 30 ये तो आया, प्लस 20,000 ना रुपीज इन लैक्स है तो 0.20 20,000 रुपीज इन लैक्स, इसलिए 0.20 लिख रहा हूं, लैक्स शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज. अब उसने अपने को इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों दे दिया, तो ये कितने हो गए 50 रुपए, 30 और 20, फर्स्ट कॉल का 30 रुपए और फाइनल कॉल का 20 रुपए, तो 30 और 20 50 रुपए उसने अपने को दोनों दे दिया, तो ये 20,000 शेयर थे जिन्होंने 50 रुपए अपने को पहले ही दे दी, तो 10 लाख शेयर थे 30 रुपए का मतलब 300, तो वो हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 300, सो 310 लाख आए टू किसका अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट का 300 आया और कॉल्स इन एडवांस आया, कॉल्स इन एडवांस, ये कैसा है कॉल्स इन एडवांस, 0.20 लाख शेयर्स 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 50, याद है ये रुपीज 50 कैसे आपको समझे, रुपीज 50 कैसे आए, 30 रुपए फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के 20 रुपए ऐसे आया,
ठीक है, कॉल सीन एडवांस है, तो कॉल सीन एडवांस अपने पास आके ये रखा हुआ है, जो कि जब अपना वो पैसा आएगा ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इतना पैसा कम आएगा। नरेशन बीइंग रिसिप्ट ऑफ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 30, ऑल्सो द टू कॉल, ऑल्सो द अलॉटमेंट द रिसीव ऑल्सो द टू कॉल फर्स्ट एंड फाइनल टू कॉल रुपीज 30 एंड रुपीज 20 ऑन 20,000 शेयर्स, ऑन 20,000 शेयर्स। अब आपका आपका जो अलॉटमेंट का पैसा है, लेकिन कुछ एडवांस भी आ गया फर्स्ट और फाइनल कॉल का। अब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसकी डेट दे रखा है 1 अक्टूबर, तो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख शेयर्स है, और आपका फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू है, आई थिंक 30 रुपीज, तो फर्स्ट कॉल पे आपका कितना है 30 रुपीज, 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 30, तो ये आया आपका 300 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, बी अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से बेटा, जब पैसा आएगा पूरे इस पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको 20,000 शेयर्स कोई शेयर होल्डर ने होल्ड करके रखा था, उसने ऑलरेडी आपको फर्स्ट कॉल का पैसा दे रखा है। तो मैं पैसा आया अक्टूबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, अब थोड़ा संभल के बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 9.8 लाख शेयर, आपने बोले क्यों सर 10 लाख शेयर्स पे क्यों नहीं पैसा आया, क्योंकि 20,000 शेयर्स पे पहले ही पैसा आ चुका है, तो 9.8 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 30, और आपको जो पैसा पहले कॉल इन एडवांस आया था तो आपका एडवांस में पैसा आ गया था, उसको अपन कैंसिल करेंगे। सो यहां पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, मैं इसको ना और एक्सप्लेन करूंगा कॉल्स इन एडवांस को, आप अभी लिख लो बच्चों, डेबिट 0.2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 30 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सो ये आपका 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30 294, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 6, तो ये हो गया आपका 300 टोटल। बीइंग बीइंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल एंड एडवांस अगेंस्ट फर्स्ट बीइंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल एंड एडवांस अगेंस्ट इट एडजस्टेड। अब समझना बच्चे, अब ध्यान से, फाइनल कॉल की तो एंट्री भी पास नहीं कर, उस पर मैं आऊंगा अभी इसको, लेकिन ध्यान से समझ। जब ये पैसा हम लोगों को अलॉटमेंट के वक्त ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का आ गया था, कोई एक शेयर होल्डर तो उससे अपने को दे दिया था, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त ही जब अपने को अलॉटमेंट का पैसा है 10 लाख रुपए आया था। अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 6 लाख रुपए, 10 में से 6 फर्स्ट कॉल का था, फाइनल कॉल का 4 होगा, तो ऑलरेडी उसने अपने को 10 लाख रुपए पहले दे चुका बेटा, तो लाइबिलिटी एज ए लाइबिलिटी आपने उसको क्रेडिट कर दे, क्योंकि उसके बदले में मतलब वो अमाउंट अभी ड्यू ही नहीं है, उसने अपने को एडवांस में पैसा दे दिया। तो कोई चीज जब एडवांस में आ जाती तो अपने एडवांस में आ गई तो लायबिलिटी होगी बेटे, क्योंकि उसके बदले में अपन ने उसको वो रिमेनिंग अमाउंट जो था उतने का शेयर कैपिटल क्रिएट किए नहीं थे, तो ये 10 रुपए अपनी लायबिलिटी। अब उसके बदले में आपने शेयर अलॉट कर दी बेटा उसको, तो फिर वो लायबिलिटी को आपने कैंसिल कर दिया, इट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड दिस इज डिक्रीज इन लायबिलिटी। अभी भी पूरी लायबिलिटी डिक्रीज नहीं, 10 में से 6 ही कैंसिल हुई, 4 बची है, 4 कब कैंसिल करेंगे, जो फाइनल कॉल अभी ड्यू, फाइनल कॉल के अभी ड्यू की एंट्री पास करेंगे और उसको फिर अपन वहां पे कैंसिल करेंगे। फाइनल कॉल जब पैसा आएगा तो फिर वही
20,000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आएगा। अब उसकी डेट दी यहाँ पे फेब्रवरी फर्स्ट, क्या डेट दी, 1st of February, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2021 आ जाएगा यहाँ पे फेब्रवरी फर्स्ट। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹20 फाइनल कॉल, तो ड्यू तो पूरे इससे होगा, तो 10 × 20 200 lakhs टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 lakhs बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। लेकिन याद रखना पूरे 200 नहीं आएंगे बेटा, कि 200 में ऑलरेडी कुछ पहले आ चुके हैं, वो 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो अपने को 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 तो अपने को 4 लाख पहले ऑलरेडी आ चुके, तो 196 ही आएंगे। देखो अभी आप, मैं लिखता हूं, फिर आपको अमाउंट आया फेब्रवरी फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा 9.8 लाख शेयर पे आएगा, क्यों, क्योंकि वो 20,000 पे पहले आ चुका है, मल्टीप्लाई बाय ₹20 9.8 × 20 196 lakhs रुपीज इन लैक्स कॉल्स इन एडवांस, कब उसको कैंसिल करेंगे आप लाइबिलिटी को, अकाउंट डेबिट 0.20 मतलब 20,000 lakhs शेयर्स 0.20 मतलब 20,000 शेयर्स, ओके शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹20 जो कि आएगा 4 lakhs टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 200। तो आप देखो आपने पहले कितने से क्रेडिट करे थे, आप अगर यहां पे देखोगे बेटा आपने कितने से क्रेडिट कर, 10 से करे थे कॉल्स इन एडवांस को, अब डेबिट यहां पे एडजस्ट कर लो उतना पैसा आपने कम बुलाए, ओके ओके। अब लिखेंगे आप बीइंग अमाउंट ऑन फाइनल कॉल received an advance against it adjusted, okay। अब सर क्वेश्चन तो हो गया खत्म, एक चीज बची, उसने क्वेश्चन में आपको बोला है इंटरेस्ट के बारे में, अब इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि उसने एडवांस में पैसा दिया बेटा, तो अपने को इंटरेस्ट पे करना है, अपने को शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना, तो अपने लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। लेकिन कितना उसने एडवांस अपने को दिया, अगर अपन यहां कैलकुलेशन करें तो एक जो 1st February तक उसने कहा आपने क्या, अज्यूमिंग ऑल सम ड्यू वे रिसीव इंटरेस्ट वॉज पेड टू द शेयर होल्डर कंसर्न ऑन 1st February, ध्यान से, तो इसका मैं कैलकुलेशन करके देता हूं, यहां पर दो एंट्री के लिए स्पेस रखना, दो एंट्री में भी पास करूंगा उतना स्पेस रखना आपने, तो यहां पे वर्किंग नोट फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अब मैंने यहां पे 12% पर एनम क्यों लिखा, कुछ याद है आप लोग को, क्वेश्चन में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो याद है आप लोगों को बताया था एक दो सेशन पहले कभी कि कॉल्स इन एडवांस पे आपको कुछ नहीं अगर दिया, और उसने बोला कि इंटरेस्ट के बारे में बोला लेकिन रेट नहीं दिया ना आपको, तो मैंने आपको एक सेकेंड ये लिखा था, तो मैंने आपको कहा था कॉल्स इन एडवांस पे 12% कंपनी एक्ट कहता है, और कॉल्स इन एडवांस पे कितना 10%, इस पे 12, इस पे 10, लेकिन उसने बोला इंटरेस्ट दो या रिसीव करो जो भी बोला और रेट नहीं दिया, तो इसको फॉलो करना, ठीक है।
तो यहां पे फर्स्ट कॉल उसने एडवांस में दिया और फाइनल कॉल, तो पहले फर्स्ट कॉल 0.2 लाख शेयर्स, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज था, 12%। अब ध्यान से बेटा, अब उसने फर्स्ट कॉल आपको दिया कब, फर्स्ट उसने तो अपने को 1 मई को ही दी थी ना आपको, फर्स्ट मई को ही दी थी बेटा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कब हुआ, अक्टूबर, तो उसने फर्स्ट अक्टूबर को ड्यू हुआ था आपको, उसने फर्स्ट मई को ही दी दिया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने पहले दी थी ना, जो फर्स्ट अक्टूबर को जो अपने को फर्स्ट कॉल आना था उसने फर्स्ट मई को ही दे दिया बेटे, 5 महीने पहले दे दिया, तो 5 महीने उसने क्या किया अपने को पहले दे दिया। इस चीज को आप समझे, रुको एक सेकेंड, मैं कहता हूं फर्स्ट मई को, यहां पे फर्स्ट मई को अलॉटमेंट हुआ और फर्स्ट कॉल जो था आपको वो फर्स्ट अक्टूबर को बुलाया गया, फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी को फाइनल कॉल बुलाया गया, फाइनल कॉल बुलाया गया। अब जो चीज बेटा फर्स्ट अक्टूबर को आनी चाहिए थी वो मेरे पास फर्स्ट मई को ही आ गई, तो कितने महीने पहले आ गई, 5 मंथ्स पहले मेरे पास वो चीज आ गई, और जो चीज मेरे को फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी को आना चाहिए था बेटे वो मेरे पास कब आ गई, वो भी मेरे पास फर्स्ट ऑफ मई को, कितने महीने पहले आ गई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 9 मंथ्स पहले आ गई ये मेरे पास, 9 मंथ्स पहले आ गई। तो जो आपका फर्स्ट कॉल था वो पैसा जो पहले आया उस पर 5 महीने का इंटरेस्ट देंगे, और जो आपका फाइनल कॉल था वो 9 महीने पहले आया उस पर अपने को 9 महीने का इंटरेस्ट देंगे अपन। तो यहां पे इस पे 9 मंथ्स का, इस पे 9 मंथ्स का कैसे 0.2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल कितने का था, 20 रुपए का, 20 रुपीज फाइनल कॉल पे मल्टीप्लाई बाय 12%, ये 9 मंथ्स पहले आया। ये जो था बच्चे अपने पास, ये जो यहां पे जो 5 महीने पहले आया, सो 0.2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 30 था फर्स्ट कॉल का और 12% और ये 5 महीने का, तो आप कैलकुलेट करेंगे, सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, तो रुपीज इन लैक्स है ये आ रहा है 0.3 रुपीज इन लैक्स है, यहां पे आ रहा है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12 0.36। तो ये पैसा जो है आपका ये 30,000 और ये 36,000 मीटर, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, समझा आपको, ये इसने 5 महीने पहले दे दिया और 9 महीने पहले दे दिया, ठीक है। ओके डन, तब आप यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉल इज 12% कितने महीने दिया, 5 महीने पहले, उतना ही अमाउंट आएगा ऊपर वो, फिर ये फाइनल कॉल पे 0.2 लाख शेयर्स थे, फाइनल कॉल के 20 रुपए 12% 9 मंथ्स का, .36 ये आ रहा है आपका .36 लाख, और ऊपर वो आएगा जो अपन नीचे कैलकुलेट करें ना .3 लाख आ रहा है ना, से टोटल .66 इतना लिखे आपने, ठीक है इसको लिख लेंगे। ये 12% क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया बेटा, कहां से आया 12%, लॉ कहता है कॉल्स इन अरियर्स के लिए 10%, लेकिन जब क्वेश्चन में बोला ना उसने इंटरेस्ट दे रहे हैं ले रहे हैं जो भी रहा, तो
फिर देखना रेट दिया क्या, रेट तो ही अपने को कैलकुलेट करना, अदरवाइज हर क्वेश्चन थोड़ी क्या करते। तो अगर दिया है उसने रेट अपने को तो वो मानना, और उसने बोला कि नहीं इंटरेस्ट ले रहे दे रहे बोला अगर कुछ ऐसा अरियर से एडवांस में, और रेट नहीं दिया तो फिर वो 12% 10% जैसा भी है एडवांस में 12 अरियर में 10% देना रहता। ओके, अब इसकी एंट्री अपन पास करेंगे बेटा यहाँ पे। अब ये इंटरेस्ट अपने लिए क्या हो गया बेटा, ये इंटरेस्ट अपने लिए एक्सपेंस है क्योंकि अपने को देना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फेब्रवरी 1st इंटरेस्ट देना एक्सपेंस है, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट वर्किंग नोट नंबर 1.66 टू शेयर होल्डर को देना, टू शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर पेमेंट करेंगे इसके भी टू शेयर होल्डर अकाउंट, पहले ड्यू की एंट्री 0.66। ओके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू, अब उसके बाद पेमेंट करेंगे तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट .66 टू बैंक अकाउंट .66 बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड लिखे आपने इतना, ठीक है। वैसे इसमें कॉल्स इन अरियर्स ये सब का नहीं था, हाँ कॉल्स इन अरियर्स कह रहा सॉरी, फोर फीचर ये सब नहीं था इसमें, क्वेश्चन पहले ही करा देना था मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19, कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ओके, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। तो 75,000 इक्विटी शेयर्स थे और ₹10 का एक शेयर था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, मतलब फेस वैल्यू उसकी ₹10 और प्रीमियम है ₹5, तो इश्यू प्राइस कितना हो गया उसका ₹15। टोटल अमाउंट वॉज पेबल इज फॉलो ₹9 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अभी क्वेश्चन में क्या हो बच्चों, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का बायफरगेट करके नहीं दिया, तो ₹9 दिया उसमें, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का है और इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसको समझना। यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 396 सो फेस वैल्यू थी ₹10, प्रीमियम था ₹5, तो टोटल हो गया इश्यू प्राइस ₹15। अब क्वेश्चन में उसने कहा आपसे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का साथ में दिया बच्चों, सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹9 टोटल है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल कितना है ₹9 आपको, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टोटल आया आपको ₹9। अब उसमें से प्रीमियम का अगर ₹5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला, तो 9 में ₹5 तो प्रीमियम है, मतलब फेस वैल्यू को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है वो ₹4। ओके, अब यहां पे उसके बाद आपका फर्स्ट एंड बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है, तो 15 में से अगर 9 ये तो ₹6 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। टोटल अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, एप्लीकेशन फॉर 3 lakh इक्विटी शेयर्स वेयर रिसीव, अब आप खुद सोचो अपने को यहां पे देना कितना है बच्चों, यहां पे यहां पर है आपका 75,000 इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स आपके 75,000 इक्विटी शेयर, और एप्लीकेशन अपने को 3 lakh शेयर्स पे रिसीव हुई है,
ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ. सो एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स वेयर रिसीव, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स वेयर रिजेक्टेड. तो 3 लाख में से 2 लाख को तो सीधे से अपने रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का साथ में जो 9 रुपए दी वो उनको वापस भी कर देगी. लेकिन वेर एंड मनी रिफंडेड शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट. तो रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने, 3 लाख में से 2 लाख शेयर्स को आपने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दी और बचे हुए 1 लाख को प्रोरेटा बेसिस पे. तो बेटा 1 लाख को आपने 75,000 दिया क्योंकि 3 लाख थे शेयर्स ने अप्लाई करे, 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करे, लेकिन एक्चुअल में अपन कितने इश्यू कर रहे, 75,000. तो 3 लाख के लिए जो अप्लाई करे 2 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया आपने सीधा, तो उनको जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का साथ में पैसा दिया वो रिफंड दे देंगे. और जो आपके रिमेनिंग 1 लाख है उनको प्रोरेटा बेसिस पे दिए, तो 1 लाख को आपको कितने शेयर दिए, 75,000 शेयर. जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 3 दिए. अब आगे कहता है द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड. ओके ठीक है, द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव, पैसा आया एक्सेप्ट ऑन 1,000 फाइनल शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर राज, हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड. अब पैसा तो आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक सबका एक्सेप्ट को मिस्टर राज थे जिन्होंने 1,500 शेयर होल्ड कर, तो उन्होंने अपने को नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यू एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 ठीक है पर शेयर. पास जनरल एंट्रीज नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ठीक है. तो अब इसमें ध्यान से समझना बेटा ठीक है. अब इसमें अपने को एक पेज तो जनरल एंट्रीज लगेंगी, तो यहां पर लिख लेते अपन नाम वाम दिया है कुछ, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ठीक है. सो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज ओके. ओके सो यहाँ पे इसको एक पेज में रखे आपसे लगना चाहिए उसको एंट्रीज को, तो एक पेज मैंने रखा यहाँ पे एंट्रीज के लिए. आप एक पेज थोड़ा ज्यादा रख लेना ना, एक पेज के बाद थोड़ा सा और 5-10 लाइन छोड़ देना, नहीं तो कम गया तो आप बोलोगे सर. अब यहाँ पे अपन बनाते हैं वर्किंग नोट. अब इसको अच्छे से समझना, ओके ध्यान से बेटा. पहले आप देख लो समझ लो उसके बाद लिखना, कोई जल्दी नहीं, अच्छे से समझ लेना मेरे. शेयर्स अभी लिखो मत बल्कि 2 मिनट रुक जाओ. शेयर्स अप्लाइड, फिर आपने शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स allotted, money received on application. एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट. money received on एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹9. अब पहले समझो आराम से, टोटल 9 कॉलम मैंने बना. आप चाहो तो 9 कॉलम पहले वीडियो पॉज करके पहले 9 कॉलम ड्रॉ करो, फिर मैं एक एक करके लिखते जाऊंगा. 2 कैटेगरी थी, ए बी चाहो तो आप इसको नाम दे दो. एक पहले वाले ने आपको 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया. एक्चुअल में अपन उनको कितने शेयर्स दिए बेटा, एक्चुअल में सॉरी 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करो, और एक थी आपकी कैटेगरी जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करे. So, इस तरीके से आपका किसी ने आपको 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करो और एक ने 1 लाख रुपए, तो टोटल शेयर्स जो अप्लाई करेगा बच्चों वो कितने थे, जो टोटल शेयर्स जो आपको अप्लाई करेगा कितने थे, वो अप्लाई करेगा 3 लाख शेयर्स. अब एक्चुअल में अलॉट कितने करें, ऊपर वाले जो 2 लाख थे उनको तो अपन ने पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिया, तो उनको कुछ भी अलॉट नहीं करें.
और इनको अपने 1,00,000 में से 75,000 शेयर्स ही अलॉट करें। कितने शेयर्स अलॉट करें? 75,000 शेयर। लेकिन एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव, जितने भी अप्लाई करे उस पर एप्लीकेशन मनी आ गया, तो 2,00,000 शेयर्स थे, 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहां पर अपने को रुपीज में, रुपीज यहां पर लिख रहा हूं, ये 18,00,000 रुपए इनसे आए एप्लीकेशन पे। इन्होंने 1,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 9 इट विल कम 9,00,000, तो इनसे 9,00,000 रुपए अपने को आए। तो टोटल पैसा कितना आया अपने को, अपने को टोटल पैसा आया बच्चों 27,00,000 रुपीज का। कितने का पैसा है बेटा? 27,00,000 रुपीज का पैसा आया। अब क्या हुआ यहां पे कि यहां पे आपने एक्चुअल में कितने अलॉट करे, आपने अगर पहले वाले की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन है, टू शेयर कैपिटल लिखो, मनी ट्रांसफर टू शेयर, मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹4। ध्यान से बेटा, अब क्या हुआ यहां पे बेटा कि टोटल जो था आपका वन बाय वन टोटल शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कितने रुपए है, अभी अपन ऊपर में देखे वहां पे 9 रुपए है। 9 रुपए में से फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 4 रुपए। 5 रुपए तो प्रीमियम का अमाउंट, 5 रुपए किसका? प्रीमियम का अमाउंट है। अब क्या हुआ यहां पे कि मैं अभी ना 2,00,000 वाले शेयर्स की बाद में बात करता, पहले 1,00,000 वाले की बात करता। 1,00,000 शेयर से आपने कितने अलॉट किए बच्चे? 75,000। एप्लीकेशन पे कितने? 9,00,000 रुपए। लेकिन पूरे 9,00,000 रुपए अपन शेयर कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्यों? क्योंकि 5 रुपए प्रीमियम के। इसका मतलब यहां पे 1,00,000 शेयर से आपके 1,00,000 शेयर से मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए, तो 1,00,000 आपने शेयर से यहां पे 75,000 शेयर आपने अलॉट करे बेटा, तो शेयर कैपिटल में तो आपका कितना जाएगा? ये 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4, वो कितना आ रहा है आपका? 3,00,000 रुपीज। तो ये 3,00,000 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा। तो टोटल जो ये ना कैलकुलेशन लिख देता है यहां पे, 75,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 5 रुपए तो आपका प्रीमियम का। तो आपके पास जो 9,00,000 रुपए आए, 9,00,000 रुपए टोटल इन लोगों ने जो 1,00,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करे, 9,00,000 रुपए आपको पैसा हुआ मिला, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना गया बेटा? 3,00,000 रुपए। अब यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द रेट ऑफ ₹5, क्योंकि 9 में से 4 रुपए आपका 4 रुपए आपका फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था और 5 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पे आपका 75,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹5, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर, तो आता आपका 3,75,000 रुपीज। किस चीज का बेटा? आप लोग का वो आपका था शेयर कैपिटल अकाउंट से, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, मैं गलती से शेयर कैपिटल लिखा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो टोटल आपको कितने रुपए? ध्यान से समझेंगे, फिर से एक्सप्लेन करो, 9 रुपए आपको टोटल है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 5 रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीमियम और 4 रुपए फेस वैल्यू, तो जो फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 4 रुपए आपने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम को रिप्रेजेंट करता है उसको आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करें। लेकिन आपने 3,00,000 और 3,75,000 आपको पैसा तो 9,00,000 है, एक्सेस अमाउंट है ना, सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया आपको, तो भी 9,00,000 रुपए में से 9,00,000 रुपए टोटल आया आपको, उसमें शेयर कैपिटल में आपका चले गया 3,00,000 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका कितना चले गया? 3,75,000। तो आपको ये एक्सेस अमाउंट आ गया 9,00,000 माइनस 3,00,000 माइनस 3,75,000, तो ये आ गया आपका 2,25,000। ध्यान से बेटा, ओके, अब ध्यान से, अब आपको 2,25,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अपने को साथ में ही आया था, ठीक है। अभी अपन पहले 1,00,000 वाले की बात करें, फिर इनकी बाद में बात करते, ठीक है। अब आप इनसे 2,25,000 अगर हो गया,
ज्यादा आ गया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹6, क्योंकि यहां पे देखो आपने ₹6 थे। अब वो ड्यू कितने से हो बेटा, ₹6 थे आपके, तो शेयर्स टोटल कितने आपने अलॉट करे 75,000। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 75,000 शेयर्स थे और ₹6 पे अपने को बुलाना है, तो आपका 4,50,000 एक्चुअल में अपने को 4,50,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बुलाना है। लेकिन बेटा 4,50,000 में से 2,25,000 तो ऑलरेडी अपने पास आ चुके हैं पहले, तो बचा हुआ बुलाएंगे। अब ध्यान से तो मैं यहां लिखता हूं, भी ज्यादा लिखना है, अभी स्पेस नहीं है, ठीक है। जैसे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है एंड अलॉटमेंट मनी। अब इसको मैं नॉर्मल करूं तो बहुत छोटा दिखेंगे, आप लिख लो पहले अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आफ्टर एडजस्टमेंट एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, ठीक है। एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट साथ में आया पैसा, ठीक है। अब अगर यहां पर इस चीज को अच्छे से समझना बेटा, मैं कहता हूं यहां पर और इंस्टीट्यूट ने अपने जो सजेस्टेड आंसर दिए उसमें गलती से गलत लिखे, गलत लिखे मतलब उन्हें एंट्रीज में सही लिखे, ये टेबल में उन्हें गलत अमाउंट लिखे, एंट्रीज में बराबर अमाउंट लिखे, तो गलती वहां पे उसको इग्नोर करना, यह सही वाला मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको अगर 4,50,000 रुपीज में से बेटे 2,25,000 तो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, तो बचा कितना 2,25,000 पहले से ऑलरेडी आ चुका है, तो 4,50,000 में से 2,25,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा कितना 2,25,000 ही बचता है। अब इसमें ना कुछ कॉल्स इन अरियर से, क्वेश्चन में 1,500 जो थे ना बेटा, 1,500 जो आपके शेयर्स थे, ये 1,500 शेयर्स थे, इन्होंने मिस्टर राज ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपने को नहीं दिया। अब ध्यान से बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहां पर राज ने अपने को नहीं दिया, तो यहां पर उन्होंने कुछ अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई अगर सपोज 1,500 शेयर्स क्या लिखा हुआ है अप्लाइड, ये 1,500 शेयर्स के लिए उसने अपने को क्या किया था बेटा, अप्लाई किया था, तो 1,500 शेयर्स के लिए उन्होंने क्या करे बच्चों यहां पे अप्लाई करे। अब ध्यान से बाप मेरी बात समझना, 1,500 शेयर्स के लिए उन्होंने क्या किया बेटा यहां पे अप्लाई की, एक्चुअल में उनको अलॉट कितना है, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। अब मैं यहां पे कुछ और चीजें माइनस कर रहा हूं यहां पे, अब देखो क्या हुआ, 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करें तो एक शेयर पे उन्होंने ₹9 दिए होंगे, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 9 13,500 रुपए उन्होंने दिए अप्लाई करें, इतना अप्लाई करें 13,500। लेकिन अलॉट कितने करेंगे अपन ने, 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करें, 4 पे 3 अलॉट करेंगे, तो अलॉट 1,500 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इनका यहां पे 1125 शेयर्स आ रहे आपके, 1125 आपके शेयर्स आ रहे मल्टीप्लाई बाय 9, तो 10,125 उन्होंने एक्चुअल में जितने शेयर्स उनको दिए गए, देखो इसको समझो कैलकुलेशन बेटा, 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करें ₹9 एक शेयर पे, 13,500 उन्होंने अपने को दिए, अब 1,500 शेयर अप्लाई करें, द यूजर अप्लाई नॉट अलॉट, तो 4 पे 3 अलॉट करें, तो 1,500 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो वह आता है आपका 1125 शेयर अलॉट करें ₹9 एक शेयर पे, या 10,125, तो 13,500 माइनस 10125, तो कितना एक्सेस उन्होंने दिए थे 3375 का एक्सेस अमाउंट मिस्टर राज ने दिए थे, एक्सेस किसने दिया था, राज ने। अब राज से हमने क्या बुलाया, अभी राज से अपन ने बुलाया कि चलो लाओ आप पहले कॉल का पैसा दो हमको, फर्स्ट कॉल का सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दो, इसको ना वर्किंग नोट जो राइटिंग में लिख रहा हूं इसको मैं यहां पर बना के दूंगा, डोंट वरी। अब यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने बोले लाओ पैसा दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमको, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब पैसा उनसे बुलाने लगे बेटा, ये तो एक्सेस था, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा बुलाया, तो यहां पर उन्होंने 1120 शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे 1120, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम राज अगर मैं लिखू, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राज
तो ये कितना आ रहा है आपका 1125 मल्टीप्लाई बाय अपने को फाइनल कॉल कितने था 6 रुपए का, 1125 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर मैं करूं तो 6750 अपने को उनसे लेना है। ऑलरेडी एडजस्ट करेंगे अपन एक्सेस जो राज ने दिया अपने को, एक्सेस देखो यहां पे ये 3375 तो ऑलरेडी दे चुका है, तो माइनस 3375 ये हो गया आपका 3375। तो ये है बेटा कॉल्स इन अरियस, ये क्या आपका कॉल्स इन अरियस। तो बुलाना कितना था बेटा अपने को, उनको अपने को उनको बुलाना था मिस्टर, अगर यहां पर अगर देखा जाए तो ये मेरे को यहां पर कॉल्स इन अरियस आपका 3375 है ना, 3375 है, तो एक्चुअल में रिसीव्ड कितना 2,25,000 माइनस 3375, तो एक्चुअल आपको मिला 2,21,625, इतना अमाउंट आपको मिला, ये रिसीव्ड वाला अमाउंट है 2,21,000, ये आपको जो अमाउंट है इसको समझना 2,21,625 इतना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ, ये अमाउंट रिसीव हुआ। अब आप बोलेंगे 4,50,000 था बेटा उसमें 2,25 पहले से मिला, तो आप बचा हुआ नहीं मिल रहा भी, क्यों, क्योंकि कॉल्स इन अरियर भी, ये क्या आपका, ये आपका कॉल्स इन अरियर है ये 3375 का। कैसे समझाओ, समझाता हूं। राज ने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 9 रुपए जब दिया, 13,500 रुपए दिया, लेकिन एक्चुअल में उसको अपने शेयर अलॉट करे 1500 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां पे बल्कि ऐसे लिखता हूं 1500 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 वो है आपका 1125 शेयर, इतने अलॉट करे 9 रुपए एक पे, तो उन्होंने दिए 10,002 आपने उनको जो शेयर दिए 10,125 के दिए, तो एक्सेस उन्होंने 3375 रुपीज अपने 3375 उन्होंने अपने को एक्स्ट्रा दिए। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मैंने बोला 6750 क्योंकि 1125 शेयर्स दिए, 6 रुपए बुलाया फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6750 बुलाया, उसमें से 3375 तो ऑलरेडी दे रखे, तो बचा हुआ भी कोइंसिडेंस है 3375, दिस इज कॉल्स इन अरियर्स, तो इसमें से भी 3375 नहीं आया, तो आया इतना इंस्टीट्यूट ने लिख दी यहाँ पे एंट्री में बराबर लिखी, अमाउंट उसने गलत वहां पर लिख दी, बच्चों को सजेस्टेड आंसर समझ में भी नहीं आएगा, फिर ऐसी बनाए अमाउंट उन्होंने गलत लिखे एंट्रीज में बराबर लिखी। एनीवेज तो यहां पे इस तरीके से अमाउंट रिसीव आपका ये ऐसे आया है। ओके, अब उसके बाद मनी रिफंडेड अब यहां पे तो मनी रिफंडेड की कुछ बात ही नहीं आती क्योंकि आपने एडजस्ट कर लिए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन जो 18,00,000 रुपए ये आए थे बेटे, ये 18,00,000 रुपए के तो अपन ने कुछ करे नहीं, उनको तो पूरा रिफंड करे, तो ये 18,00,000 रुपए अपन क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है 18,00,000 रुपए वापस करेंगे। इसकी टोटल करो, ये आ रहा है 3,00,000 रुपए, ये आ रहा है 3,75,000, 2,25,000, 4,50,000, 2,21,625 और 18,00,000 रुपए रिफंड करना है, ठीक है। अभी एंट्री पास करूंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ना मैं एक काम करता, पहले पूरी वर्किंग नोट बना देता हूं, ये नहीं तो कैलकुलेशन बाद में तुम बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। वर्किंग नोट नंबर 2, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर राज, तो 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, 4 पे 1 मतलब या आप 4 पे 3 क्यों 4 पे 3 कह रहा हूं, क्योंकि 1,00,000 शेयर्स जिसने किया था उसको आपने 75,000 दिए, क्योंकि 4 जिसने 4 के लिए अप्लाई किया उसको 3 दिए, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये आ रहा आपका 1125 शेयर्स जो ऊपर अपन ने लिखे हो। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियस, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन अरियस। सो एप्लीकेशन जो ऊपर रेडिंग में लिखा वही लिख रहा है यहां पे, बस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम राज, 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, 9 रुपए एक पे उन्होंने दिए थे, ऊपर ही लिखा हुआ मैंने कितना आया था वो 13,500 रुपए लेस एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, आपने अलॉट कितने करे 1125, 9 रुपए एक पे, तो ये आता 10,125। सो एक्सेस कितना आया, एक्सेस
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड ओके विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसके बाद विथ फर्स्ट एंड फाइनल ओके ये कितना है 3375। अभी एक्सेस है, अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से एडजस्ट करेंगे। अब इसी के नीचे लिखो फाइनल, यहां जगह है कि यहीं पे लिख दो, ठीक है मैं नेक्स्ट में लिख देता हूं, आप नीचे लिखना उसके, ठीक है। फाइनल कॉल ड्यू फ्रॉम राज, तो 1125 शेयर्स अप्लाई किए थे फाइनल कॉल पे, ₹6 अलॉट किए थे, सॉरी 1125 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये अमाउंट है 6750 बुलाना था, लेस एक्सेस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 3375। सो ये बच्चा भी आपका 33 कोइंसिडेंस है, 3375 भी आ रहा है, 3375 कॉल्स इन अरियस, कॉल्स इन अरियस कितना है 3375। ओके डन, तो आप इसको भले यहां पे लिख सकते हो ये कॉल्स इन अरियस जो 3375 लिखा बल, ये आपने वर्किंग नोट नंबर इसको कैलकुलेट भी करे, वर्किंग नोट नंबर कौन सी थी 3 में, तो ये आपको समझ में आया बेटा कैसे आए ये ना यहाँ पे ये तीन चीज, इतना आपने नहीं भी लिखे ना इसको कंफ्यूज मत, ये नहीं भी लिखे तो चलता है, ये आपको समझाऊंगा। 4,50,000 ड्यू था, 2,25,000 पहले ही आ गया और 3375 कॉल्स ही नहीं, तो इतना ही अपने को पैसा मिला, इतना ही पैसा अपने को एप्लीकेशन के वक्त सॉरी इतना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिला, ठीक है। तो इतना नहीं भी लिखे नीचे का चलता है क्योंकि इसी को मैंने वर्किंग नोट आगे की वर्किंग नोट में लिखा हूं, ये वर्किंग नोट 3 में ये लिखे अपन, तो डोंट गेट कंफ्यूज ओके, ठीक है भाई। अब अपने को कहानी शुरू होती है, अब सिंपल है, अब अपने को एंट्रीज पास करना है, ठीक है। सो अब आप लिखेंगे वन बाय वन, यहां पे पहली एंट्री डेट दी भी नहीं है तो उसको ब्लैंक रहने देना, ये कभी कभी इंस्टीट्यूट डेट नहीं देती तो डेट कॉलम में सीरियल नंबर देती 1234 ऐसा दे देती। डेबिट क्रेडिट ओके, डेबिट क्रेडिट। अब आप लिखेंगे पहला एप्लीकेशन के वक्त पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपने सब वर्किंग नोट नंबर 1 से लो, कितना पैसा आया बेटा 27 लाख, तो वर्किंग नोट नंबर 1 से फिगर में लेते जाऊंगा 27 लाख, आप चाहो तो लिख दो यहां पे 3 लाख शेयर्स थे, एक पे ₹9 आया, अप्लाई तो 3 लाख के लिए करते हैं। अब जब ना बेटा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का साथ में पैसा आता है तो टू शेयर एप्लीकेशन सिर्फ मत लिखना, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसा लिखना रहेगा, तो यहां पे ₹9 में एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों था, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ₹27 लाख बींग एप्लीकेशन मनी ऑन 3 लाख शेयर्स एट ₹9 पर शेयर रिसीव्ड, एट ₹9 पर शेयर रिसीव्ड। अब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ख्याल रखना ₹9 में प्रीमियम भी बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम वाला पार्ट, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू वाला पार्ट, तो ₹9 से ₹5 प्रीमियम के, ₹4 आपके किसके फेस वैल्यू के रिप्रेजेंट कर, तो शेयर कैपिटल में जाए। अभी एंट्री को अच्छे समझना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन ध्यान से पूरे शेयर अलॉट नहीं करें तो अमाउंट में थोड़ा गड़बड़ नहीं करना, वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, कुछ रिफंड हुआ है, कुछ अपना आगे एडजस्ट होने वाला, ध्यान से बेटा। तो ये आपका वर्क, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से
आपने शेयर 75,000 शेयर ही अलॉट करे, तो 75,000 फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 4 रुपए, तो ये आपका 3 लाख रुपए। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट 75,000 शेयर्स आपने अलॉट करे, प्रीमियम रिप्रेजेंट करता 5 रुपए, तो ये आपका 3,75,000। ये अपन ने लिखे भी है वहां पे, वर्किंग में सब दिख जाएंगे आपको, 27 लाख, 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम 33,75,000। अब आपने एक्सेस पैसा जो मिला तो फर्स्ट एंड फाइनल, अच्छा रिफंड भी करे आपने 18 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट, तो 18 लाख रुपए अपन ने वापस भी कर दिए, और जो एक्सेस आया था टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उसको एडजस्ट करेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इसको एडजस्ट करेंगे। ये कितना था एक्सेस बेटे, ये देखो यहाँ पे, ये था एक्सेस आपका 2,25,000, और ये आपने रिफंड करा 18 लाख। ओके, ये इट विल हेल्प यू, जब रिसीव्ड वाला अमाउंट आप लिखोगे ना वहां पे, अभी आगे की एंट्री में वहां हेल्प करेगा, इसलिए कॉलम भी ऐड कर लिया मैंने। तो आपने ये आपने वापस करे 18 लाख, और 2,25,000 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे। सो बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ओके डन। अब ध्यान से बेटा, तो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो आपको पैसा आया था 27 लाख, लेकिन 27 लाख में आपने 18 लाख वापस करे, 2,25,000 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट होगा, और जो आपने 75,000 शेयर सभी जो अलॉट करे, एक 4 रुपए आपका फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर, इसलिए शेयर कैपिटल में 5 रुपए प्रीमियम को कर रहा है। अब आपके से ड्यू होगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 75,000 शेयर्स से, और आपको आय कितने बेटे, 6 रुपए ड्यू हुआ, आय तो अलग है, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ रहा है ड्यू 4,50,000, जो कि आपने वहां पे लिखे हुए। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब पैसा आएगा तो गड़बड़ नहीं करना बेटा, पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, पैसा आया कितना, अब इंस्टीट्यूट ने ना यहां पे लिख दी 2,21,625, इंस्टीट्यूट ने तो लिख दिया, अब आप सोचते बैठो, सॉरी पैसा आया बैंक वाले इसमें 2,21,625 उन्होंने लिख दिए, कॉल सिनेरियोस का ठीक है, उन्होंने वर्किंग नोट बनाया, तो वर्किंग नोट उन्होंने वर्किंग नोट नंबर 3 कॉल सिनेरियोस में अपन ने बनाया 3,375, लेकिन ये कैसा है आपको समझाना बेटा, ड्यू हुआ था 4,50,000 रुपए से, ऑलरेडी 2,25,000 पहले आ चुका था, और इसके बाद यहाँ पे 2,25,000 पहले आ चुका था, और ये आपका 3,375 ये कॉल्स इन अरियर्स था। तो देखो इसको, ये आपका ड्यू हुआ था इतने से, ये एक्सेस एडजस्टेड, जो आपने पहले एक्सेस आया उसको एडजस्ट करे, और ये आपका कॉल्स इन अरियर्स, तो 4,50,000 से ड्यू हुआ, जिसमें से 2,25,000 पहले से आ चुका था, और 3,375 अभी नहीं आया, तो एक्चुअल में भी इतना आया आपको, तो 3,375 कॉल्स इन अरियर्स था आपका। टू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इट विल कम ओके 2,25,000 ओके, तो बीइंग रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एंड कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्डेड, जिसमें नहीं मिला उसको रिकॉर्ड कर।
अब आप ऐसा नहीं कह सकते थे सर वो 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उसका अलॉट 1125 किए थे तो उसने 6 रुपए, अरे 6 रुपए पे ड्यू हुआ था उसके लिए, लेकिन उसने पहले कुछ एक्सेस दिया था, वो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपने वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पे वर्किंग नंबर 3 में लिखा भी, ओके 10। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ये भी हो गई। अब क्या बचा है अपना, अब उसने शायद ना यहाँ पे फोरफीचर कुछ किया, हाँ द फोरफीटेड शेयर, अच्छा फोरफीट किया था मिस्टर राज शेयर्स फिर फोरफीटेड, ठीक है फोरफीचर की एंट्री पास करना है, फिर रीइश्यू भी बोला। तो ये आपके ये जो एंट्री पास हुई इतनी, ये इश्यू की हुई, इश्यू ऑफ शेयर। अब जो मैं एंट्री यहां पे पास कर रहा हूं ये फोरफीचर, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, और उसके बाद फिर मैं रीइश्यू की एंट्री पास करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो आप मिस्टर राज की बात कर रहे हैं तो उसको बुलाए तो पूरे अपन ने 10 रुपए थे उस पर, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ऊपर अपन ने शेयर कैपिटल वर्ड यूज करे तो वी कैन यूज शेयर कैपिटल ओनली, ठीक है यहां पे, यहां ठीक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो कितने शेयर थे इसके 1125 मल्टीप्लाई बाय बेटा 10 रुपए फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, अलॉट उसको 1125 करें, अप्लाई उससे 1500 के लिए किया था, तो ये आ गया आपका 11250 टू शेयर या फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, जो अमाउंट रिसीव्ड हुए फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। तो आपको पैसा आया कितना था, उसने वहां पे बताया कि अपने को मिस्टर राज से पैसा आया कितना था, तो फोरफीटेड शेयर्स का पैसा की फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में जो पैसा आया, अब थोड़ा ध्यान से था। अब पहले तो वैसे आप यहां पे लिख सकते कॉल्स इन अरियस, मैं पहले लिख लेता हूं कॉल्स इन अरियस, जो आपने देखो यहां पे क्यों मैंने बच्चों यहां पे क्यों नहीं लिखा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि आपने उसको कॉल्स इन अरियस अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर कर दिए थे, तो कॉल्स इन अरियस अकाउंट में जब आपने ट्रांसफर कर दिए बेटा तो यहां पे यू विल नॉट राइट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यू विल राइट कॉल्स इन अरियर्स ओनली। सो कॉल्स इन अरियर्स का आपने जो वर्किंग नोट नंबर 3 में भी कैलकुलेट करते 3375 आया था, तो वैसे तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो 11250 माइनस 3375 तो ये आता है 7875, लेकिन इंस्टीट्यूट ने तो 7875 लिख दिए। अब बच्चा सोचते बैठे 7875 आया कहां, वो बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते, लेकिन अब सुनो मेरे आपको पता रहना चाहिए जो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में अदर देन सिक्योरिटी प्रीमियम का अपन अमाउंट लेते जो रिसीव्ड हुआ, तो इसको शेयर्स अलॉट करे 1125 जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 4 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए नहीं लिया मैंने, प्लस एक्सेस अमाउंट जो इसने दे रखा था, एक्सेस अमाउंट कितना दे रखा था वो भी एक्सेस अमाउंट था, ये एक्सेस अमाउंट इसका जो आप है ये भी कितना था 3375, तो अमाउंट एक्चुअल में जो रिसीव्ड हुआ आपको ये 3375, ये मैं लिख भी देता हूं एक सेकेंड, ये आपका एक्सेस अमाउंट, ये एक्सेस जो एप्लीकेशन के वक्त दिया था ये अपने को रिसीव्ड हुआ, और ये ना फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते, तो 1125 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 4500 प्लस 3375 वो आते 7875, जैसे घबराना मत कहां से आ गया, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। तो ये आप देखो एक 1125 तो शेयर अलॉट करते एप्लीकेशन के वक्त 4 रुपए, बोले सर नहीं, नहीं 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 वो प्रीमियम का पैसा भी आया ना बेटा, यहां पे कौन से अमाउंट को अपन रिप्रेजेंट करते अमाउंट रिसीव्ड अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो आपको कितना रिसीव्ड हुआ 1125 शेयर्स अदर देन सिक्योरिटी, 5 रुपए को हटा दो तो 1125 ये 4, आप बोलेंगे नहीं सर वो तो 1500 पे मिले, मेरे को पता है 1500 पे, लेकिन एप्लीकेशन का आपने यहां पे जो एक्सेस मिला वो 3375 अपने लिख लिया ना बेटा, जो एक्सेस आपको मिला था वो यहाँ पे ले लेते, टोटल आ गया तो 1125 शेयर्स जो 4 रुपए एप्लीकेशन के जो अपने अलॉटेड और एक्सेस जो था बेटा वो 3375 था, तो टोटल आ रहा 7875। अब इंस्टीट्यूट ने 7875 लिख दी, बच्चा सोचते बैठे कि कहां से आए थे, समझ में नहीं आएगा बच्चे, आखिरी चारा यही रहेगा बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर पे, लेकिन इस तरीके से आया आपका ओके। तो अब आप यहां पे लिखेंगे बींग 1125 being 1125 shares forfeited for non-payment
ऑफ फाइनल कॉल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब आप इसके बाद किसकी एंट्री पास करेंगे बेटा, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये एंट्री अब आप पास कर रहे हो रीइश्यू किया। अब आपने रीइश्यू कितने में करे इसको, आपने इसको चार रुपए के डिस्काउंट पे, 10 का 4 रुपए के डिस्काउंट पे पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर्स और चार रुपए डिस्काउंट, मतलब 10 का 4 रुपए डिस्काउंट, मतलब 6 रुपए पे। सो 1125 मल्टीप्लाई बाय 6750 फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, जो डिस्काउंटेड इस अकाउंट में लिखते फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1125 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए। सो 1125 मल्टीप्लाई बाय 4 यार आपका 4500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1125 शेयर्स। हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल में बच्चों फेस वैल्यू जाती है 10। तो ये आ गया आपका 11250। सो बीइंग फोरफीटेड शेयर्स रीइश्यूड एट ₹4 डिस्काउंट। अब आप सबको पता है बेटा, अब जो शेयर फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट का जो बैलेंस रहता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हमने तो पूरे शेयर्स रीइश्यू करे, तो कोई चिंता की बात नहीं, तीन स्टेप रहेंगी बस। तो यहां स्पेस नहीं, मैं यहां पे लिख लेता हूं लास्ट एंट्री तो एंट्री पास होगी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग फोरफीटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान से अमाउंट कैसे है, आप चाहो तो इस पर एक वर्किंग नोट बना सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 4 बना लू, ठीक है चलो वर्किंग नोट नंबर 4। सो वर्किंग नोट नंबर 4 अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तीन स्टेप होती है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, क्योंकि पूरे शेयर्स फोरफीट आपने रीइश्यू करे। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर अमाउंट डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू स्टेप टू। स्टेप थ्री 1-2, ठीक है बेटा, स्टेप थ्री 1-2 अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपने टू, ये स्टेप 1-2 होता है, तो आपने कितने से क्रेडिट करे थे, आपने कितने से क्रेडिट करे थे 7875, कितने से डेबिट करे आपने यहां पे 4500। तो 7875 माइनस 4500 3375
3375 ओके तो इतना अमाउंट, ये सब कोइंसिडेंस है ना, कैपिटल रिजर्व में भी उतना यार, ये कॉल्स इन अरियर्स भी उतना है, एक्सेस अमाउंट भी इतना है, ये भी तैयार है आपका, ठीक कोइंसिडेंस है सब सेम सेम आ रहा है 3375 तब आप यहां पे लिखो 3375 ओके समझ में आई चीज आपको, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, डिफिकल्ट तो नहीं बोलना चाहिए इसको, इंटरेस्टिंग बोलते अपन, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर यहां पे खत्म होता है, कौन सा था आपका 19 था ओके। बस एक चीज ख्याल रखना बेटे, जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसको मैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है सेम है आपका। अगर आप वहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑलरेडी कर चुके हैं यहां पे, बस यहाँ पे देखो 2 लाख है यहाँ पे आपका, ये 2 रुपीज, ये 2 रुपीज यहाँ पे, बस वहां पे 20 लाख से यहाँ पे 2 लाख दिया और कुछ नहीं यहाँ पे, ये वहां पे 10,000 या 1,000 शेयर सेम है, ये आप ऑलरेडी कर चुके इसलिए उसको जरूरत नहीं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लिखो आप एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 396 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 P4 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 therefore no need to solve it again। वैसे ही होमवर्क में दिया था आपको, ठीक है, तो आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, डन ओके। तो यहां पे हम लोग ना ये सेशन हमारा खत्म करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21 मैं कराऊंगा अगले सेशन में बेटा, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 कराऊंगा Just 1 minute। एक सेकंड, कुछ आगे पीछे हुआ है क्या? Just give me 1 minute बेटा। क्योंकि पिछली बैच में भी ना ऐसी क्लास में आया था तो इसको जरूरत नहीं थी, अपन ने ऐसा लिखा था सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये एबीसी ऐसे पॉइंट नहीं है, गलती से आ गया एबीसी, एबीसी पॉइंट नहीं है, ठीक है वो, इसलिए ऐसा लग रहा है, ये एक पॉइंट था और ये भी अलग अलग है, ठीक है ठीक है सेम है यहाँ पे, बस एक एक जीरो उसने कम कर दिया, ठीक है नो नीड टू सॉल्व इट अगेन बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है पेंडिंग है मुझे पता है, अगले सेशन में क्वेश्चन में 17 और 21 में पहले करा दूंगा, उसके बाद ना इश्यू ऑफ डिबेंचर लास्ट टॉपिक जो हमारे कंपनी अकाउंट का वो शुरू होगा, फिर इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे, ये सिंपल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब आज का होमवर्क ले लो, आज का होमवर्क है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 11। तो 9, 10 और 11 ये 3 होमवर्क है, बस बचे हुए आगे देता हूं मैं आपको, ठीक है 9, 10 और 11 तो यार ये 3 आपको होमवर्क करना रहेगा। तो सेशन हम लोग यहां खत्म होता है, टेक केयर, बाय बाय।